पिछले वीडियो का वर्क आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको डक बनाना बताया था कि किस तरह हम डक स्केच करके और कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने प्रैक्टिस किया होगा और बनाया होगा, कलर किया होगा। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या बताऊंगी आज मैं एक सबसे स्वादिष्ट सब्जी के बारे में बताऊंगी और उसे बनाना और उसे कलर करना आपको बताऊंगी, ठीक है। सब्जी आप सब लोग खाते हो ना, वेजिटेबल्स खाते हो नहीं खाते हो? वेजिटेबल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हम सबको हरी साग सब्जी खाना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर्स हमें हमेशा बोलते हैं कि आप हरी साग सब्जी खाइए ताकि आप स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो सारी सब्जियां जो हैं वो हमें बहुत ही एनर्जी देती हैं और हमारे हेल्थ को अच्छा रखती हैं। तो आप भी अपने घर में जो भी सब्जी आपकी मम्मी बनाती है उसे खाइए, ठीक है, ताकि आपको भी ताकत रहे, आप भी स्वस्थ रहें। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी सब्जी को खाइए खूब जमकर, ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगी सब्जियों में उस सब्जी को जो गोल मटोल होता है, जिसके सर पे टोपी लगी होती है, ठीक है, यूं टोपी ऐसे टोपी लगी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रिंजल को कैसे स्केच करेंगे, कैसे इसको हम कलर करेंगे, ठीक है। तो ब्रिंजल सबने देखा है ना, कितने कलर का होता है ब्रिंजल? दो कलर का होता है, वाइट और पर्पल, ठीक है। और दोनों की ही सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और आज हम इसे स्केच करना आपको बताएंगे। ब्रिंजल बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना है A4 साइज पेपर, ठीक है। A4 साइज पेपर जितने भी मैं आपको बताऊंगी ड्राइंग में, सारी चीज़ के लिए आप A4 साइज पेपर ले लीजिए और उसी पे सारी ड्राइंग को बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे हेडिंग डालते हैं, क्या बनाना है आज हमको? ब्रिंजल, BRINJAL, ठीक है, हिंदी में इसको बैगन बोलते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ओवल शेप इसमें भी हम बनाएंगे, डॉट डॉट में बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये शेप आपको क्लियर है, डॉट्स में मैंने बनाया है। और अब इन सारे डॉट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इन सारे डॉट्स को मिलाएंगे और देखेंगे इसका शेप परफेक्ट आता है या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है बहुत बढ़िया बना रही हूँ मैं, वेरी गुड। इस तरह मैंने इसे बना लिया और जो एक्स्ट्रा लाइंस दिख रहे हैं ना उसे आप इरेज करो, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ना रहने पाए। इस तरह ये फर्स्ट स्टेप मैंने बना लिया है और सेकंड स्टेप में हम इसके ऊपर की टोपी को बनाएंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया और लास्ट स्टेप है ऊपर की जो टोपी में ऊपर नुकीला निकला होता है ना, टोपी पहने होता है ना, उस एरिया को बनाएंगे। तो उसके लिए हमको ऊपर के हिस्से को थोड़ा इरेज करना होगा और इधर से इसे घुमाते हुए ले जाना है। इस तरह हमको बनाना है। अब ये क्या हो गया, बिल्कुल बैगन जो है हमने स्केच कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स आएंगे उसे आप इरेज कर दो। इसको थोड़ा घुमाकर बनाते हैं, एक्स्ट्रा लाइन मिटा दीजिए। इसकी स्केचिंग हो चुकी है और अब हम इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वैक्स कलर, ठीक है, वैक्स कलर यूज़ कर रहे हैं। तो बैगन को हमको किस कलर में कलर करना है? पर्पल, तो हम निकाल लेते हैं पर्पल। और उसकी टोपी बनाने के लिए ग्रीन और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो अब इसको कलर करते हैं। कलर करने के लिए सबसे पहले हम किनारे के साइड से आउटलाइन जो है उसको हम बनाएंगे और इस आउटलाइन के अंदर हम इसको बहुत ही आराम से बराबर से इसको कलर करेंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हमको करना है, देखना कहीं छूटे ना, इसलिए बराबर से कलर को आपको चलाना है। कहीं पर हमको डार्क कर देना चाहिए, इस साइड में मैं डार्क कर रही हूँ। नीचे की तरफ से ऊपर की ओर कर सकते हैं, इधर भी मैं डार्क कर रही हूँ। इस तरह कलर को मिला देंगे। यदि लगता है कहीं कलर बराबर नहीं है, नहीं मिला है, तो उस पर फिर हम एक बार कलर को चलाएंगे। इस तरह मैंने इसको पर्पल कलर में कलर कर लिया है और अब इसकी टोपी को कलर करेंगे डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन, और हम बाद में यूज़ करेंगे लाइट ग्रीन भी। आउटलाइन को पहले कर लें, इसके बाद इसको हमें फिल करना है, पूरे को हमें ग्रीन से फिल करना है। बिल्कुल आराम से बहुत ही आराम से इसको धीरे धीरे, और इसमें हमको थोड़ा लाइट ग्रीन भी यूज़ करना है। लाइट ग्रीन भी मैं डाल रही हूँ। इस तरह ये ब्रिंजल हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आप भी जिस तरह मैंने बताया है उस तरह इसको स्केच कीजिए, कलर कीजिए, घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय किड्स।